तो बात कुछ ऐसी कि तुम्हारे भाई ने ले लिया है मैकबुक एयर M1। Finding my purpose, don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, I'm not here, no. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation, and I just wanna feel like a good person. A good person. When I wake every single morning now, I give up. No matter what I do, I give up. I give up. And I just wanna feel like a good person. A good person. When I पर ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो टेक वीडियो नहीं होने वाला। ये वीडियो रहेगी मेरी लैपटॉप के जर्नी और खुद की स्टोरी के ऊपर। फ्रॉम दिस वीडियो आई कैन एश्योर यू दैट यू गेट सो मच मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो फॉर माय मोटिवेशन। सो बिफोर कमिंग टू द मैकबुक आई वांट टू शो यू माय फर्स्ट लैपटॉप HP i3 प्रोसेसर 8GB RAM, no SSD, but उस लैपटॉप से मैंने 150 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ योर पैशन नो मैटर व्हाट यू हैव यू जस्ट नीड अ विल पावर एंड थोड़ा सा जुगाड़। आफ्टर दैट HP लैपटॉप आई टोल्ड टू माय फादर दैट दिस इज टू हार्ड टू वर्क ऑन। सो आई बोरोड सम पोर्शन ऑफ मनी फ्रॉम माय फादर एंड बिल्ड अ कस्टम PC लास्ट ईयर। बट व्हाई? एक्चुअली लास्ट ईयर तक मेरा थॉट था कि मैं एक होम सेटअप बनाऊंगा एंड घर से सब काम ऑपरेट करूंगा। एंड ऑफकोर्स द मेन रीजन वॉज द कोविड पैंडेमिक। सो उसका लत मैं छोड़ नहीं पाया था। बट नाउ पैंडेमिक भी चला गया और तुम्हारे भाई ने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया। अब हॉस्टल में कैसे इस PC को लेके जाएं? When I told to my father about this silly mistake to purchase a custom PC and now the way to sell it, you can relate, guys. पापा जी, सुनिए ना, वो जो मेरा डेस्कटॉप है ना, उसको सेल करना है। वो जो लास्ट ईयर में जो लिया था। निकम में पहले ही बोला था, ये यूट्यूब वगैरह कुछ होगा नहीं। पांडे जी के बेटे को देख, बिल्ली की प्रिपरेशन ले रही है। वो बिल्ली का नहीं, वो कैट का प्रिपरेशन ले रहा था और वो भी मैकबुक से ही ले रहा है, ठीक है? और वैसे भी मुझे बिल्ली पसंद नहीं। मुझे ये डेस्कटॉप को सेल करना है एंड वैसे भी अभी ऑफर भी चल रहा है तो थोड़ा सा सस्ते में भी हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए ना। हाँ बेटा, अब आ गया ना औकात में, आईफोन खरीदा था खुद की पैसों से। तो ये सच्ची बात आपका और मेरे बीच में रहेगा, ठीक है? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए और किसी को भी मत बताना। हाँ, फाइनली बापूजी मान गए एंड थोड़ा सा पैसा मेरे पास भी था और थोड़ा सा पैसा मैं पापा से लेके फाइनली आई परचेज अ मैकबुक एयर M1। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई। नंबर वन इज एप्पल इकोसिस्टम। आपने देखा था कुछ महीने पहले मैंने आईफोन खरीदा था एंड आईफोन और विंडोज PC का रिलेशन कुछ BF और GF के बीच में बेस्ट फ्रेंड जैसी है। मतलब सब कुछ कर सकते हो पर दिल किसी और के पास। एंड उससे भी बढ़कर था कि ऑफर चल रहा था, दिवाली का सेल चल रहा था, तो इसको लेने का रीज़न दिवाली का सेल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो प्राइस कितना बड़ा भैया? रुको ज़रा, थोड़ा सा सब्र करो। तो मेरा बड़ा 65,000। सो ऑफर में इसका प्राइस था 70,000 एंड थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैं 65 तक इसको लेस कर पाया। बट नॉर्मली अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे जो अभी है, तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि अभी जो प्राइस है, ठीक है, मैं पहले आपको डेट दिखा देता हूँ। पहले इसका डेट देख लो अभी, ठीक है, 5 दिसंबर है। तो ऑफर ख़त्म हो गया, ऑब्वियस बात है। सो इसका प्राइस आप देख लो 80,000 हो चुका है, ठीक है? तो आप अगर इसको खरीदना चाहते हो, खरीद रहे हो, तो ऑलवेज कंसिडर कि ऑफ़र के टाइम इसको ख़रीदो। अगर ऑफ़र चला गया है तो 80,000 देना इसके लिए आई डोंट थिंक इट्स लाइक वर्थ इट फॉर यू। अगर आपको 80,000 या 90,000 देना ही होता है तो आप इसको 8GB ना लेके आप इसका 16GB वेरियंट ले सकते हो, या इसका प्रो वर्जन भी आप देख सकते हो। मतलब मैकबुक ईयर है, मैकबुक प्रो भी देख सकते हो, पर आपका बजट थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ेगा इसके लिए। पर आप अगर वही 70,000 के अंदर कोई लैपटॉप देख रहे हो तो एंड एप्पल का देख रहे हो, ठीक है, तो मैकबुक एकदम बढ़िया रहता है। ये वाला मॉडल एकदम बढ़िया है, ठीक है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होना है। देख रहे हो प्रीमियर प्रो मैं चला रहा हूँ, अच्छी से चल रहा है, और बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से वो बहुत ही अच्छी से चल जाता है। ओके, फीचर्स इसके ऊपर तो 1000 से भी ज़्यादा YouTube में वीडियो अवेलेबल है। बट फॉर मी इसका डिस्प्ले, इसका स्पीकर, इसका ट्रैक पैड बिल्कुल मस्त है।
एंड सबसे बढ़िया चीज है कि इसका बैटरी लाइफ, आईफोन का बैटरी जितना ज्यादा घटिया है मैकबुक का बैटरी उससे भी ज्यादा बढ़िया है। तो मेरा लैपटॉप 8GB वेरिएंट का है, पर आप मान सकते हो विंडोज का 16GB लैपटॉप का भी बराबर ये कर सकता है। तो जितना ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लोर किया मुझे अभी तक कोई भी लैग दिखने को नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ट्रैक पैड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आईफोन की डिस्प्ले जितना स्मूथ है ये उससे भी बढ़िया है। मतलब आप मान सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको स्मूथनेस फील होगी। उसके अलावा आप फ़ोन कॉल पिक कर सकते हो, मतलब आपकी फ़ोन अगर कहीं दूर है और आपको पता नहीं कि आपके फ़ोन कहाँ पे है, मतलब आपकी फ़ोन अगर डाइनिंग रूम में सोफा पे पड़ा हुआ है और आप लिविंग रूम में लैपटॉप लेके बैठे हो, तो आपका अगर कोई कॉल आता है तो आप मैकबुक में ही उस कॉल को पिक कर सकते हो। इनफैक्ट किसी को भी मैसेज करना, किसी को भी फोन करना, वो भी आप यहीं से ही कर पाओगे। तो बहुत ही तगड़ा एक फीचर है यहाँ पे। और इसका नोटपैड का बात हम क्या ही करें, आप जो भी मैक की नोटपैड के अंदर आप टाइप करोगे आपके आईफोन में भी वो सेव हो जाएगी, और आईफोन की नोटपैड में जो भी टाइप करोगे वो यहीं पर भी सेव हो जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ टाइप ही नहीं करना, आप अगर कोई लिंक पेस्ट करोगे या फोटोज भेजोगे या डॉक्यूमेंट्स भेजोगे सब कुछ ये अच्छी से कर देता है। एंड द बेस्ट फीचर फॉर मी विच इज एयरड्रॉप हम कैसे भूल सकते हैं यार। ये फीचर मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं शूट करता हूँ आईफोन से और जो भी रॉ फुटेज मुझे मिलता है उसको मैं मैक में ट्रांसफर करता हूँ एंड यहाँ पे एडिट करके फिर मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई रील शूट कर रहा हूँ तो उसको यहीं पे शूट कर लेता हूँ, देन उसको एडिट करता हूँ मैक में, उसके बाद मैं मैक से आईफोन में शिफ्ट कर देता हूँ टू पोस्ट इन इंस्टाग्राम। सो ये भी बहुत ही बढ़िया काम आती है मेरे लिए, तो ये बहुत ही तगड़ा फीचर है। इस फीचर को आप विंडोज में कभी भी नहीं कर पाओगे, अगर आप करना चाहते भी हो तो थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। देखो इसका रेटिना डिस्प्ले है यार, आपकी अगर आईफोन है तो आप देखना उसको, देखने के बाद आप कोई भी एंड्रॉयड के फ़ोन को आपको देखने के मन नहीं करेगा बिकॉज इसका डिस्प्ले इतना ज़्यादा स्मूथ है, इसका कलर इतना ज़्यादा अच्छी है। तो उससे भी बढ़िया डिस्प्ले डालते हैं इस मैक में भी, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट एकदम दे दनादन चलता है। मतलब 4K फुटेज आप देखो, 4K वीडियोस देखो, 4K मूवीज देखो, बहुत ही अच्छी लगती है, आई स्मूथिंग है बहुत ही ज़्यादा। और इसका जो स्पीकर है वो भी बहुत ही बढ़िया बिकॉज वो टू साइड में दिया हुआ है, तो आपको एक 3D एम्बियंस का फील कराते हैं ये। और बेस एकदम तगड़ा है, मतलब इतना अच्छी बेस देती है ये मैक, तो मैं तो एकदम स्पेल बाउंड हो चुका हूँ इसको यूज़ करके। मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसको एंड आई टोटली लव इट। क्या ये हीट होती है? देखो मैं जितना यूज़ इसका करा हूँ तो मुझे अभी तक तो हीट इसका महसूस नहीं हुआ। एक और रीज़न है कि अभी ठंडी आ रही है और ये मेटल बॉडी है, तो मैं जब भी इसको लैप में रख के काम करता हूँ तो मुझे ठंडी लगती है, तो हीट अभी नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर फ़ैन भी नहीं है, तो कोई नॉइज़ भी नहीं है। और ये हीट कैसे मतलब इसको कूल करता है मुझे नहीं पता। तो इसका टेक्नोलॉजी के बारे में आप एप्पल की वेबसाइट में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो। मुझे नहीं पता है कि कैसे ये इसको कूल कर रहा है, पर अभी तक मुझे हीट कोई फील नहीं हुआ और लैग भी फील नहीं हुआ। पर मैं 6 महीने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं 6 मंथ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, तब अगर मुझे कोई हीट या लैग मुझे दिखे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये एक बेस्ट लैपटॉप होगी अगर आप 60 या 70,000 के बजट में ले रहे हो। अगर आप 80-90 या 1 लाख के बजट में इसको ले रहे हो नॉर्मल टाइम में, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा, इसलिए आप कंसिडर करो इसको सेल के टाइम ही, वरना आप 16GB के वेरिएंट में जा सकते हो अगर आपको हेवी टास्क करना पड़े। और वीडियो एडिटिंग इसका बहुत ही बढ़िया है, आप जितने भी लेयर्स लगाते जाओ इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने अभी एडिटिंग नहीं करा है, पर उसको भी करके मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। तो गाइस इस वीडियो का ही मैं अभी एडिट कर रहा था, ठीक है। और जितना मुझे अभी तक फील हुआ, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि लैग नहीं होता है, पर हाँ ये बात सही नहीं है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा लैग तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं जब भी कुछ, एक्चुअली ये 4K फुटेज है, उसका भी एक रीज़न होगा। सेकंड रीज़न होगा कि मैं नहीं बोलना चाहिए ऐसी तो ये 8GB वेरिएंट का है। अगर आप 4K फुटेज को कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग ज़रूर दिखेगा। एक्चुअली मैं इसका रिव्यू वीडियो जब देखा था तब भी मुझे वही बोला गया था कि आप अगर 4K वीडियो मतलब एक के ऊपर लेयर ऐड करोगे तो आपको थोड़ा सा लैग दिखेगा इन द 8GB वेरिएंट। एंड आप अगर 16GB वेरिएंट को कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी लैग आपको दिखने वाला है नहीं। पर ओवरऑल वही मैं अगेन आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग कि आप अगर इसको 65 या 70,000 रुपीज़ की लाइक रेंज में ले रहे हो तो ये वर्थ इट है। अगर आप 80,000 या 90,000 या 1 लाख की रुपीज़ में ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि ये सही होगा आपके लिए, ओके। तो ओवरऑल मेरा एडिटिंग का एक्सपीरियंस, मैं आई थिंक कितना ज़्यादा एडिट कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट एडिट कर चुका हूँ।
तो ये वीडियो में एडिट करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा लैग इसे दिख रहा है, और जो भी एडिट वगैरह करता है प्रीमियर प्रो में इतना हैवी सॉफ्टवेयर में उनको भी लगेगा। एंड मैं यूज़ कर रहा 24 जो लेटेस्ट जो वर्सन आया उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें दिखता है, ठीक है। तो आपको ऑनेस्टली मैं बता दिया, फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं 2-3 यूज़ करने के बाद एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा कि मुझे क्या क्या दिक्कत आया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, तो सब हम बताएंगे, ओके। तो वीडियो में बने रहिए। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे वीडियो एडिटिंग का, और स्पेशली कोडिंग के प्रोस्पेक्टिव में हम अगर बात करें तो ये एकदम तगड़ा है, बिकॉज इसका प्रोसेसर जो है वो इंटेल वाला नहीं है, वो एमोन वाला है, तो कोई इशू तो होने वाला नहीं है। आप अगर एक पैशनेट कोडर हो तो आप रात के अंधेरे में भी कोड कर सकते हो, बिकॉज इसका जो कीबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली लाइट जल जाता है, मतलब दिन के टाइम में लाइट नहीं जलता, पर आप अगर अंधेरे में लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जल जाता है। सो यही था मेरा वीडियो, अभी तक तो मुझे कोई नेगेटिविटीज़ का फील नहीं हुआ, अगर कोई फील होता है तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। एंड मैं इसको क्यों लिया, मैं इसको वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ में लिया और थोड़ा सा कोडिंग के पर्पज़ में लिया, बिकॉज बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स को परस्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग का ज़रूरत होती है, तो वो टूल चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस मशीन में। एंड बैटरी लाइफ के बाद आप कितने भी बोलो उतने ही कम है, बहुत ही तगड़ा बैटरी देती है, मतलब आप अगर एक बार चार्ज करो तो पूरा दिन आपका चल जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और बहुत ही स्लिम सा है, बहुत ही पतला है, तो कहीं पे भी कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और कोई फ़ैन नहीं है तो कोई नॉइज़ भी नहीं आएगी। तो ये था ओवरऑल मेरा जो भी प्रोस्पेक्टिव था इस मैक या रेमोन को लेके। एंड वंस अगेन, इसको तभी कंसिडर करना जब आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है आपको, वरना आपके खुद के पैशन को फॉलो करने के लिए ऐसी फैंसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बजट अगर 40,000 या 50,000 होती है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा इकट्ठे कर लो पैसे, एंड देन इसको ही खरीदना, बिकॉज आप 10-20 हज़ार के चक्कर में आप ऐसे मशीन को खरीद मत लेना कि आप अपने पैशन को ही फॉलो ना कर पाओ। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट में आपका ओपिनियन ज़रूर लिखना, बिकॉज आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर ओपिनियन। एंड आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम बहुत ही प्यारी कम्युनिटी बना रहे हैं और इसका हिस्सा अब ज़रूर बनिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, टिल देट कीप हसलिंग।